Hey guys! Welcome to Rimorav Vlog! और आज जो हम करने जा रहे हैं वो बड़ा ही मजेदार है क्योंकि आप लोग देख चुके हैं टाइटल में कि हमने क्या करने वाले हैं हम लोग करने वाले हैं ओवर एक्टिंग जो कि ये लोग हमेशा करते हैं अपने शो में नाम रिवील कर दिया मुझे और थोड़ी ओवर एक्टिंग करनी है मोइना यू मैं चाह के भी कि ना ओवर एक्टिंग नहीं कर पाता हूँ पता नहीं क्यों बिकॉज तू खुद ऑलरेडी ओवर एक्टर है भाई इसका गाइस जो नए नए शो पता नहीं कब से खत्म हुआ है मैं इंडस्ट्री का अंडर रेटेड एक्टर हूँ क्योंकि रेट कम मिलता है गाइस मुद्दे पे आते हैं और आपको मुद्दा समझ आ गया होगा क्योंकि गौरव ने ऑलरेडी रिवील कर दिया हम आज करने जा रहे हैं ओवर एक्टिंग चैलेंज हम साया राइट गाइस सो ये जो ओवर एक्टिंग चैलेंज है आप देख सकते हैं ये पीछे वैसे तो एक ग्रीन सॉरी मोइना अभी आप ये ग्रीन बैकग्राउंड देख सकते हैं कुछ देर के बाद आप ये डिफरेंट टाइप्स की बैकग्राउंड देखेंगे जिस टाइप शो देम एन एग्जांपल ओके ओके जैसे आपकी एडिटिंग इसमें रेडी बैकग्राउंड एक्सक्यूज मी नो कौन सी एडिटर की सुनो मैं तुम्हें एडिटर की सुनूंगी नहीं तुम मेरी देखो अरे तेरी देखो क्या बाद में कर लेना ना अपने बैकग्राउंड क्या चाहिए मैं डांस कर रही हूं अबे बैकग्राउंड क्या चाहिए बताओ आग नीचे से और पानी ऊपर से ये नहीं मेरे पास है नहीं देखो मैं दिखाती हूं प्लीज एक्सक्यूज मी प्लीज फील द ओवर उनकी भी सोचो यार जो लिख जो डाल रहा है देखो नीचे आग ये तो ठीक है ऊपर पानी आगे है तो पीछे ही है अब देखो एडिटर में अगर दम है तो हो पाएगा वरना ना हो पाएगा नहीं हो जाएगा ये तुम्हारा टेस्ट है गौरव हो गया पीछे है तो है सो गाइस ये जो चैलेंज है इस चैलेंज में हमें करनी है ओवर एक्टिंग और इस ओवर एक्टिंग में जिसने सबसे ज्यादा ओवर एक्टिंग की उससे मिलेगा एक ऐसा प्रोजेक्ट जो दो दिन चीटा सुनती नहीं है चल तू बोल जो जीतेगा उन्हें मिलेगा ऐसा प्रोजेक्ट जो दो दिन में बंद होगा ओवर एक्टिंग सो गाइस ये जो ओवर एक्टिंग है ये एक बंदा बीच में आएगा और बाकी दो स्टोरीज बोलेंगे एक बंदे को नहीं मैं वो समझा रहा हूँ तो इसलिए एक बंदे को वो ओवर एक्टिंग करके बतानी और बैकग्राउंड आपके सामने आते रहे गाइस आप देख लो कुछ समझने की जरूरत नहीं है दिस इज अ फिल्म जो आप अपना दिमाग छोड़ के जाते हो आप सिर्फ देखिए रव को मो को री को अलग अलग सिचुएशन ओके सो 3, 2, 1 गो यार मोइना आपने मुझे गौरव यार ये तुम ऐसा क्या लगा रखा है तुमने गौरव को कॉपी कर रही हूँ ओके तो पहली बारी मोइना की 3, 2, 1 गो मोइना चल रही है एक बड़े से रैंप पे और रैंप पे चलते चलते उनकी हील्स हो गई टूट ओ मोइना को कुछ समझ ना हवाएं चल रही है रैंप पे इतनी जोर से हवाएं चली कि ऊपर से बारिश आना शुरू हो गई और जो बारिश आ रही है और मोइना ने देखा अचानक लाइट गई और लाइट जाते ही पीछे उनके हजारों बच्चे चिल्लाए पकड़ो पुलिस थाने का विजुअल आता है हाँ थाने में मोइना को जेल में कर दिया गया और मोइना फिर अपनी नींद से उठती है कि ये सब सपना था हाँ ऐसे सपने ये मॉडल बनने के अक्सर देखती रहती है क्योंकि इनका मॉडल बनने का सपना पूरी तरीके से नहीं हुआ ये लगता है फिर इसने अपने मॉडल का सपना पूरा करने के लिए पहुंची ऑडिशंस की लाइन में और देखा और ऑडिशंस की लाइन इन्हें ले गई उस मंच तक जहां ये अपने नृत्य का प्रदर्शन कर सकेंगी ये तो दूसरे चैनल की प्रमोशन हो रही है और अलग अलग क्यू म्यूजिक तात्र दिन 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 ता तगड़ दूं तगड़ दूं तगड़ दूं तगड़ दूं तात्र दिन दिन पीछे ऑडियंस इनके डांस के लिए पागल होती हुई हाँ ऑडियंस में से एक उड़ती आई जुत्ती और वो जुत्ती मुझे आज तक समझ नहीं आया ऑडियंस पीछे से क्यों देख रही है इसका जवाब एडिटर से मैं चाहता हूँ एडिटर को कर लेना आज आगे करो जुत्ती आई मोइना को चढ़ा गुस्सा मोइना ने पीछे देखा पीछे लोगों को बोला अगर आप मुझसे नफरत करते लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ मैं आ रही हूँ आपकी तरफ
और मोइना भागी लोगों की तरफ। अबे मुंह पीछे करे, भागते भागते वो पहुंच गई एक रेलवे ट्रैक पे। रेलवे ट्रैक पे ट्रेन आ रही है, मोइना का मुंह ट्रेन की तरफ, मोइना का मुंह ट्रेन की तरफ, पीछे और पीछे। और मोइना ने देखा कि वो ट्रेन काफी दूर थी, लेकिन उससे पहले पटरी पे बैठे हुए थे दो बच्चे लोटा लेके। लोटा लेके मोइना ने धोई अपने नियत। और ये क्या कर रही है? ये नहीं करना, अबे नियत धोई बोल रहा तुझे। अभी से आदत डाल रही है। अबे धोई नियत बोल रहा था अपने। बहुत बढ़िया धोई, इससे उम्मीद से अच्छी ओवर एक्टिंग की इन्होंने। सो लेट्स सी, अब बारी है गौरव की, तो गौरव क्या करता है? मोइना ऑल द बेस्ट, आ जाओ, 3 2 1 एक्शन। गौरव आदवा बैठे हैं अपनी बोट पे और चप्पू चला रहे हैं। और ये जो चप्पू चला रहे हैं, इन्होंने देखी एक शार्क, डर के इन्होंने तब चप्पू तेज किया। और फिर उन्हें लगा कि मैं शार्क पे चिल्ला देता हूँ। शार्क डर गई और शार्क अपनी मम्मी ले आई, मम्मी ने उस पे चिल्लाया। फिर गौरव ने दोनों शार्क और मम्मी पे चिल्लाया। गौरव को लगी जम की भूख, वो खड़ा हो गया और उसने पानी में लगाई छलांग। और पानी में वॉक कर रहा है, पहला इंसान जो पानी में वॉक, पानी में सांस ले पा रहा है गौरव। गौरव के पास आया एक हेलीकॉप्टर साइड में। गौरव ने देखा ये हेलीकॉप्टर पानी में कैसे चल रहा है, फिर उसने सोचा अरे अगर मैं चल सकता हूँ तो कोई भी चल सकता है। तुरा खुशी के मारे पागल होके जंप करने लगा, इतना जंप करने लगा कि फाइनली वो पानी के अंदर अल्टीमेटली घुस ही गया। और वो पहुंचा एक अंदरूनी जगह पर, उसे दिखी टाइटैनिक की शिप। और फिर वहां पे आई शार्क मम्मी। शार्क मम्मी ने कहा कि देखिए हम चाहते हैं कि कोई इंसान हमारे यहाँ इलेक्शंस लड़े। तो गौरव ने कहा कि मैं अपने फिन्स खोल के मैं बन जाऊंगा यहाँ का प्रेसिडेंट। और जब वो प्रेसिडेंट की बात हुई, उन्होंने बोला तुम्हारे में खासियत क्या है? कहता मैं शार्कों का सांप बन सकता हूँ, मैं फन निकाल सकता हूँ, मेरा फन देखे। वो फन के ऑडिशन दिए और उसने मेरा फन फेस करके दिखाया। और इसी पे क्लोजअप पे खत्म होता है गौरव का स्टोरी। थैंक यू, हो गया, बस। ओ बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा कूद करवाया, मजा आया यार, बहुत मजा आया, मजा आया। चल तू भी जीता, चल तू भी जीता, चल तू भी जीता, हम ऋषि देव, आर यू रेडी? आई एम रेडी गाइस, प्लीज सपोर्ट मी। यू आर रेडी? सपोर्ट मी, हां मैं जीतूंगा। मोर स्टार्ट। ओके, ऋषि देव चढ़े हुए हैं एक हाथ से लटक के एक झाड़ पे और उनके पैर लटक रहे हैं नीचे और उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं उतरूं कैसे क्योंकि मैं बहुत ऊपर चढ़ चुका हूं। और उन्होंने बहुत तेज लगाए पुलअप्स और चढ़ गए झाड़ के ऊपर। वो चढ़ते गए वो पहुंच गए झाड़ की चोटी पे। इन्होंने लगाई एक हाई जंप और सीधा पहुंच गए स्पेस में। पहले वो नीचे जा रहा था, हाई जंप के लिए उन्होंने बोली है। और स्पेस में ऋषि देव गिर गए और ये उड़ रहे हैं, ये ग्रेविटी इनको एहसास ही नहीं हो रही है, हवा में उड़ रहे हैं। सडनली एक चांद सडनली एक तारा उसके सामने आता है और बोलता है भाई तू तो तारा जमीन पर है लेकिन जमीन से तू आसमां पे क्यों आया? और इसका जवाब देने के लिए री ने बुलाया डोरेमोन को। डोरेमोन स्पेस में पहुंचा इनके लिए, री की मदद करने के लिए। डोरेमोन ने पूछा बेटा कौन सा गैजेट चाहिए और री ने बोला री ने कहा मुझे चाहिए चाय, प्लीज मुझे एक कटिंग चाय दे दीजिए, मैं वापस धरती पर पहुंच जाऊंगा। और जैसे ही री को उसने चाय पकड़ाई, वो चाय हवा में उड़ने लगी। और फिर सडनली उड़ते उड़ते वो चाय को पकड़ते पकड़ते सडनली वो उठ जाता है, उसे रियलाइज होता है मैं तो ये सपना देख
रहा था, मैं तो अपने रूम में कंफर्टेबली सो रहा था, सडनली लेफ्ट साइड में उन्हें दिखी एक सीढ़ी जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये पहले तो कभी थी नहीं। चढ़ने लगे और चढ़ते चढ़ते वो पहुंच गए उसी स्पेस में जहां ग्रेविटी उनका साथ नहीं दे रही थी। साला मुझे इतनी बार नासा ने नहीं किसी बंदे को स्पेस में भेजा होगा। मगर कब आया स्पेस में जाके लड़का अपने आप लेट ही जाता है। सो गाइस ये तो था हमारा ओवर एक्टिंग, लेकिन बहुत हंसी वाली आई। सच में हम लोगों को बहुत हंसी आई, ये सब बहुत मजा आया। देखते हैं हे गाइस ये एक दो बार खेलेंगे प्लीज। ओके पार्ट 2 पार्ट देखते हैं अगर ऑडियंस अगर प्यार करेगी फैमिली के इस चैलेंज को। गाइस मैं प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी इस वाले वीडियो को मतलब 2 मिलियन लाइक्स, क्योंकि हम लोगों ने कुछ नया ट्राई किया है, क्योंकि इन्होंने काफी मेहनत की है इस चैलेंज के लिए। नहीं करेंगे। अरे यार कर चुके हैं अभी तक, पूरा व्लॉग देख चुके हैं, पागल हो डिटिंग करके आंखें दर्द हो रही है, 15-15 घंटे एसी चलते हैं। बंद करो ऋषि। लेकिन यार पाली आज का हाईलाइट तो वही था। मैंने क्या किया, मैं थोड़ी थूकता हूँ। अच्छा आज का हाईलाइट तीनों के चेहरे पे एक दूसरे का थूक है। वही ना एक बार वो दिखा दे। ओ बहुत गंदा था। ये क्या था, ये होता है। अरे पानी फेंक रही हूँ ना। अच्छा मुझे लगा तू। ओके गाइस तो ये था हमारा ओवर एक्टिंग चैलेंज, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। इसको कम से कम 500K लाइक्स दीजिए। आई मस्ट से दैट यार एक्टिंग में तो मजा आता है, ओवर एक्टिंग में क्या मजा आता है। हैट्स ऑफ टू ओवर एक्टर्स। आप बहुत जल्दी जल्दी 2 मिलियन तक पहुंचा दीजिए जिससे हम आपको सीजन 3 दिखा सके, और बहुत जल्दी जल्दी इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाइए। ये रहे हमारे इंस्टाग्राम यूजर नेम। सो जाने से पहले हमेशा की तरह रिमोरव का स्टेप करना ना भूलिएगा। 3, 2, 1 गो रिमोरव व्लॉग। ए ए व्हाट आर यू सेइंग? इसको क्या होगा, चुप क्यों हो गए भाई साहब? किस देने गए, धोने गए? किस धोने गए? अरे हां मत कर यार इसको। हम साया गाइज, अगर आप इसी तरह बहुत सारे फनी वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, और अगर आपको सब्सक्राइब अगर क्या यार प्लीज सब्सक्राइब करो, तो सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ दबाएं, यानी कि यहाँ 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 यहाँ